सो गाइस हम लोग अभी रुक सो गाइस हम लोग अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम वाराणसी गाइस वंस अगेन। सो आज हम लोग का वाराणसी में चेकआउट है। जैसे कि अपने लास्ट व्लॉग में देखा, हम लोग ने वाराणसी एक्सप्लोर कर दिया गाइस। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस, दिस इज निश्चित मुलमी। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट गाइस। सो आज का जो व्लॉग होने वाला, हम लोग आज ट्रैवल करें बोध गया में। सो बोध गया में क्या है, ये तो मेरे लिए भी एक फर्स्ट टाइम है और आपके लिए भी हो सकता है गाइस फर्स्ट टाइम, बट मेरे लिए तो एकदम फर्स्ट टाइम है। वाराणसी भी मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम ही है। तो आई होप सो आपको वाराणसी का व्लॉग देख के अच्छा लगा रहेगा। अगर देखा नहीं है व्लॉग तो इधर आई बटन में मैंने दिया, डू चेक आउट दैट गाइस व्लॉग। गाइस अपनी बस आ चुकी है। सो इन दिस बस वी आर गोइंग टू ट्रैवल टू वॉच द बोध गया। दिस इज द बस, दिस इज द कोच वाला बस विच विल बी ट्रैवलिंग टू फोर डेज, मतलब फोर नाइट्स हम लोग का बस यही रहने वाला है टू वॉच बोध गया। और जो बोध गया का जो डिस्टेंस है फ्रॉम आर होटल, इट अराउंड 5.5 आवर्स का ड्राइव फ्रॉम दिस होटल टू द बोध गया होटल। वी आर गोइंग टू ट्रैवल फॉर 5.5 आवर्स का ड्राइव अप्रॉक्सीमेटली। अगर ब्रेक्स व्रेक्स लिया तो 6 आवर्स तक हो सकता है। सो गाइस हम लोग अभी रुक चुके फॉर द वॉशरूम ब्रेक आफ्टर रियली लवली 2 आवर्स का ड्राइव के बाद। सो अभी हम लोग अभी चाय पी रहे, रोड ट्रिप का रूल्स एंड रेगुलेशंस। चाय दे रहे भाई इधर, भाई लोग चाय रिकॉर्डिंग चालू है भाई, आप तो आ रहे हो यूट्यूब पे। तो भाई ये भी भाई अपने को चाय वाय दे रहे, रोड ट्रिप का रूल्स एंड रेगुलेशन चाय के साथ एक मस्ती वाली इंजॉयमेंट के साथ गाइस। सो गाइस हम लोग अभी लंच ब्रेक के लिए रुक चुके इन द देहरीन करके एक एरिया है। सो हम लोग अभी कुछ ही किलोमीटर बाकी अपना बोध गया के लिए, तो हम लोग लंच ब्रेक के लिए रुका है क्योंकि अब बज चुके हैं, मैं बताता हूँ कितना बज चुका है, अराउंड 1:18, मतलब कि ऑलमोस्ट 1:30 होने आया, 10 मिनट बाकी 1:30 के लिए। सो इसलिए हम लोग अभी लंच ब्रेक के लिए रुक गए। अभी भूख भी ज़्यादा लगी थी, ब्रेकफास्ट भी कर लिया था हम लोग ने, 4-5 घंटे हो चुके हैं अभी, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो अभी 1:30 हो गया, तो ऑलमोस्ट 5.5 आवर्स तो हो गए। सो अभी थोड़ा टाइम बाकी है टू वॉच गया। सो अभी गया कि ये रास्ता भी बहुत अच्छा है, बट कुछ कुछ जगहों में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चालू है, तो उसके वजह से थोड़ा सा हम लोग को टाइम लग रहा है, तो स्लो मूविंग हो रहा है। मैं व्लॉग जो कर रहा था, मतलब कि अटक अटक के नहीं कर रहा था, बट एक्चुअली क्या इतना साउंड आ रहा था ना गाइस ट्रक वर्क का, तो इसलिए मैं अटक एक एक स्टॉप में कर रहा था, नहीं तो मैं कभी स्टॉप करके व्लॉग नहीं करता गाइस। इतना इरिटेटिंग होता है ना कभी कभी, इतना स्टॉप करके ब्लॉग करना, आप जो बोलते हो उसका ये रिदम ही छूट जाता है कभी कभी इतना, तो वही क्या क्या ब्लॉग करना था ना वो सब भूल जाते फिर कभी कभी। और ये सब मक्खियाँ भी बहुत है यार, एम्बियंस इज़ नॉट सो गुड, मेरे को इतना खास नहीं लगा एम्बियंस, बहुत ज़्यादा ही मक्खी है। जैसे कि मेरे हाथ में आप देख ही रहे हो, व्लॉग करते करते भी मेरे को मक्खियाँ भगाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का खाना आ चुका है, विच इज़ स्पेशल थाली। सो गाइस जो खाना था ना, इट वॉज ओके टाइप, इतना मज़ा नहीं आया जितना हम लोग को एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक फ्लाइज भी आ रही थी, तो एक तो डिस्टर्बिंग था ही था, और टेस्ट भी वॉज नॉट अप टू द मार्क जो होना चाहिए तो थाली में ना गाइस, इतना तो मज़ा बिल्कुल नहीं आया भाई, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद डेट, मतलब ठीक ठाक है, मैंने थोड़ा सा राइस भी छोड़ दिया था, बस पसंद नहीं आता, मन हो गया था गाइस, तो इसलिए मैंने खाया, रेस्ट पता नहीं सबको अच्छा लगा होगा कि नहीं, बट मेरे को तो इतना ठीक ठाक ही लगा, आई डेंट लाइक द ऑपरेटेड। तो अब ये अपना जर्नी स्टार्ट होगी गाइस टू वॉच बोध गया गाइस।
गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके इन बोध गया। सो जैसा कि आपने इंट्रांस गेट देखा होगा गाइस के अपना बोध गया एंड ऑल, ये तो एक ऐसा ही मॉनेस्ट्री था अपने होटल के बाद, तो हम लोग ने ऐसे ही देखा। एंड दिस इज़ ऑल्सो गेटिंग कंस्ट्रक्टेड गाइस, सो इसलिए अच्छा खासा लग रहा है। अभी यहाँ पे आते ही ना आपको बोध गया में पूरा बुद्धिस्ट का ही सब दिखता है गाइस। जैसा कि आप इंट्रांस गेट से एंट्री करते हुए ही टुवर्ड्स आगे मंदिर के अलग जाओगे जहाँ दलाई लामा का प्रोग्राम है वहाँ पे, और मेनी मोर जगह पे सब बुद्धिस्ट का ही रिलेटेड ही है। जैसे दिस इज़ वन ऑफ द मॉनेस्ट्री विच इज़ गेटिंग कंस्ट्रक्टेड, ये वाला गेट में भी बुद्धिस्ट का ही कुछ रखा है इधर इसके झाड़ के पीछे वाला, तो सब जगह बुद्धिस्ट का ही है गाइस। और होटल हम लोग कौन सा स्टे कर रहे हैं उसका रूम डोर और बाहर का कैसा दिखता है वो भी दिखाएंगे गाइस। ठंडी है, थोड़ा हल्का है, प्लेजेंट वाला ठंडी बोल सकते हो, और शिमला मनाली वाला ठंडी तो बिल्कुल आपको तो हीटर के बिना तो होता ही नहीं है गाइस। फिर भी हम लोग कैसे कैसा विदाउट हीटर भी कैसे सर्वाइव किया वो पता नहीं, बट ठीक है गाइस, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ये भी अलग एक्सपीरियंस है, वो भी अलग एक्सपीरियंस है। सो गाइस आप जैसे कि देख रहे हो, मैंने जैसा बोला था कि आपको बुद्ध का रिलेटेड ही मिलेगा, आप जैसे कि बोध गया में एंट्री करते हो उधर ही बुद्ध जी का साइन जैसा है जैसे कि देख रहे हो आप। सो ये वाला जो मेरा फिंगर की उधर ही मतलब इधर आते ही ना आपको पूरा बुद्धिस्ट का ही वाइब्स मिलेगा, जैसे कि ये देख रहे हो गाइस, दिस इज ऑल्सो द बुद्ध रिलेटेड ओनली। दिस इज नॉट द मेन गेट बट दिस इज गोइंग थ्रू द टेम्पल वे दलाई लामा का जो है उधर प्रोग्राम है, उधर से ही जाने वाला गेट है, सब उधर से ही जा रहे गाइस। तो गाइस हम लोग अभी वो चाय पीने आए इधर, तो होटल के बाजू में था, ऐसे वॉक अराउंड कर ही रहे थे, तो सोचा कि शाम का टाइम है और ठंडी का टाइम है तो चाय क्यों ना पिया जाए। और दावा हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस कमिंग आउट हियर भाई, कैसा था? एकदम बढ़िया है, अच्छा है। हाँ सो हम लोग का भी एक प्लान है उधर जाने का, अभी कल नहीं तो परसों कभी तो जाएंगे एक बार विजिट करेंगे गाइस। और दोज हु डोंट नो दावा इज अ बुद्धिस्ट टू, इन्हें देख रहे अब जो आप लोग को डाउट होता रहेगा बुद्धिस्ट नहीं है लेकिन इज़ अ बुद्धिस्ट एक्चुअली में, सो उसको तो 100% जाना ही है। तो मैं भी देख लूँगा, आप लोग के एक्सपीरियंस करेंगे, देखते हैं वीडियो बनाने का अलाउड है कि नहीं, नहीं तो फोटोग्राफी तो बाहर से दिखाई देंगे, नहीं तो वीडियो से तो दिखाई देंगे, कंटेंट तो आपको मिल ही जाएगा कैसा ना कैसा। तो अभी चाय पी के फिर मोस्ट प्रोबेबली होटल पे जाके एडिटिंग करना है अभी। सो गाइस हम लोग अभी एक मेला पे आए, ऐसे ही हम लोग वॉक अराउंड कर ही रहे थे, तो हम लोग इसे देख रहे थे कि क्या क्या है सराउंडिंग में, क्या क्या दुकान है एंड वगैरह, तो हम लोग ऐसे ही मेला में घुस गए। जैसे कि देख रहे हो जाइंट व्हील है मेरे पीछे एंड दिस इज लाइक डिफरेंट ड्रैगन वाला जो ऐसा रहता है ना, ड्रैगन जुब 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 वाला ड्रैगन वाला, और ये है बच्चों के लिए खेलने वाले चीज़ है। एंड दिस इज फॉर ऑल्सो जैसे कि देख रहे हो बच्चे लोग का मिकी माउस का रहता है ना जंपिंग जैसा पिल्लो सॉफ्टी सॉफ्टी वाला, एंड देर हेलीकॉप्टर बच्चों का, एंड हियर ऑल्सो गाड़ी वाड़ी वगैरह का सब एंड सो ऑन। सो ऐसे घूम रहे थे हम लोग, तो अच्छा खासा वॉक अराउंड हो रहा था, तो जैसे कि देख रहे हो इधर बच्चों का खेलने के लिए जगह, एंड दिस इज ऑल्सो देयर गाइस, जैसे कि देख रहे हो इसको ब्रेक डांस बोलते हैं आई थिंक सो, आई डोंट नो गाइस, डू लेट मी नो गाइस कि व्हाट इज़ इट, आई थिंक सो इट इज़ अ ब्रेक डांस का होता है आई थिंक सो, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक सो इट इज़ अ ब्रेक डांस, जैसे कि देख रहे हो आप दिस इज़ द वन। हम ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे तो धीरे धीरे इसे घुस गए हम लोग, वी हैड नो प्लान्स टू कम आउट हियर, पता नहीं क्या ऐसा अचानक ऐसा घूम ही रहते तो देखा कि चलो आ ही जाते गाइस इधर भी। सो ये अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ इसका फ्लिप के बाद गाइस, जैसे कि देख रहे हो ड्रैगन वाला भी ऐसा एक पूरा एक चक्कर लगाना ड्रैगन्स वगैरह, और इधर सब स्टोर्स वगैरह खाने पीने का एंड दूसरा था शॉपिंग का आई थिंक सो कम है बट है खाने पीने का मैगी वैगी सब वगैरह ये सब है, सो मैगी वगैरह एंड सो ऑन। फिर ये सब बच्चों लोग के लिए टॉयज वॉइस खरीदने का तो आप खरीद सकते हो गाइस। सो ये सब है मेला में गाइस, और जाइंट व्हील उधर पीछे ही। सो गाइस हम लोग मेला से निकल गए अभी, तो ऐसे ही थोड़ा बस वॉक अराउंड कर ही रहे थे क्योंकि अभी गेस्ट वेस्ट भी सब भाग चले गए तो हम लोग को थोड़ा बोर हो रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वॉक अराउंड कर रहे थे और आप लोग को भी दिखा रहा था कि आजू बाजू क्या है बोध गया के। हम लोग के होटल के बाहर नॉट एग्जैक्टली इन फुली इन बोध गया बट हम लोग का होटल के आजू बाजू क्या है गाइस, क्योंकि बोध गया में तो है लेकिन उसके बाजू में क्या है हम लोग के होटल के वो सब दिखा रहा था हम लोग कि क्या क्या है। और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्ग्स आए, सो अभी हम लोग अभी अपना जो प्लान है होटल पर जाने का थोड़ा अभी रिलैक्स करेंगे, फिर
कल शायद से एक्सप्लोर करेंगे बोध गया को, नितेश एंड बुद्धिस्ट, तो उसके साथ हम लोग भी कंपनी करेंगे। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आप हम दो और आप लोग गाइस, तो अपने साथ अपने साथ बहुत सारी फौज है गाइस। सो गाइस जैसे कि देख रहे हो हम अपने होटल में पहुंच गए, विच इज़ होटल ताज दरबार, ये है उसका एंट्री गेट और द बिल्डिंग इज जस्ट उसके सामने लाइटिंग्स में। यहाँ पे ड्यू टू द क्रिसमस, अभी रिसेंटली क्रिसमस है, न्यू ईयर अभी आने वाला ही है, बाय द टाइम ये व्लॉग अपलोड होगा हो चुका होगा न्यू ईयर। सो ये बलून्स वगैरह रखा गया है। सो आजकल सब होटल्स में ये कॉमन हो गया, मैंने देखा ये चीज़। अपन अभी लॉबी पे पहुंच गए गाइस। सो यहीं पे जैसे कि देख रहे हो क्रिसमस के जैसे यहाँ पे क्रिसमस ट्रीज एंड वगैरह सब रखा गया है। दिस इज लॉबी, मतलब ये रिसेप्शन का ये, एंड अपन इधर से जाएंगे अभी टू वॉच रूम गाइस। सो गाइस मैं आप लोग को और नितेश को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को थोड़ा सा इसका बता देना कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने जो सोचा मेरे दिमाग में मेरे को वही लगा। सो जैसे कि देख रहे हो गाइस ये क्या है गाइस, वॉशरूम, मतलब आप लोग का मतलब क्या रहता है टॉयलेट, राइट? पर अंदर जाने के बाद देखते हैं क्या है सीनरी। सो जैसे आप आते हो खाली दिस इज फुल ऑफ मेड ऑफ वॉली वॉश बेसिंस, नॉट इवन दैट कॉमन, वो अलग ही एरिया में उसको अलग से टॉयलेट करके। सो गाइस अब हम रिवील करने वाले अपना रूम इन 3, 2, 1 गो। सो जैसे कि देख रहे हो रूम आपने देखा ये है, ये थोड़ा सा हम लोग ने बैग वैग अभी चेक इन करके गए थे तो इसलिए रखा है। सो ये है ट्विन बेड। सो आप लोग डिसाइड करना गाइस कि रूम कैसा है गाइस। सो दिस ये थोड़ा सा अच्छा खासा रखा है, हम लोग ने बैग वैग रख सकते हैं हम लोग खाने के लिए वगैरह। एक और चेयर मंगा लेंगे तो एक और है भी इधर चेयर, जैसे कि देख रहे हो इसको एडजस्ट करना, अगर खाना वाना खाना तो आप खा सकते हो इधर। सो इट्स टू सेपरेटेड बेड आउट हियर और उसके पीछे ही अच्छा खासा बेड रेस्ट एंड लैम्प बीचों बीच और ये छोटा सा कबट, प्यारा सा कबट, और ये भी दिया रह गया है। सो ये सब देके रखा है, फैन वगैरह, सो ये सब एयर कंडीशन वगैरह, एंड ये ड्रेसिंग टेबल, एंड दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड एडिटिंग के लिए, इधर स्विच विच डाल के अपना एडिटिंग कर किया जा सकता है गाइस। और ये लगेज के लिए गाइस। सो अब मैं दिखाऊंगा आपको वॉशरूम का कैसा कर दिखता है गाइस। सो वॉशरूम खोलते हुए ये तो मैंने भी पहली बार देख रहा हूँ गाइस। सो ये है वॉशरूम, वॉशरूम इज़ क्वाइट गुड, मतलब मेरे लिए तो एक सेटिस्फाइड है। सो ये सब टावल्स, ये हैंगिंग टावल होल्डर, फिर ये मतलब कि फ्रेश होने के लिए वगैरह के लिए देखने के लिए, और शावर एंड एग्जॉस्ट फैन, एंड द वॉल इज ऑल्सो ओके टाइप, मतलब अच्छा लगा। सो एंड कमोड, सो अब जाते हैं बाहर, एंड कमोड जैसे कि देख रहे हो अब जाते हैं बाहर गाइस। चलिए गाइस इस व्लॉग को भी एंड कर लेते गाइस। आई नो इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन कल का थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपको इस व्लॉग में, बोध गया के थोड़ा बहुत हम देखते क्या क्या है वो आपको भी बताते जाएंगे उसी व्लॉग के थ्रू। सो दैट्स इट विद टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, अगर पसंद नहीं आया तो कैन हिट द डिसलाइक बटन टू। Till then, stay safe, stay happy, spread happiness and do whatever makes you happy. Thank you so much guys for watching till here. Aur mujhe social media pe follow nahi kiya, do follow me on my social media handle. This is my idea guys. Thank you so much guys for watching till here. Aur Nitesh ka kya hai ki abhi unka abhi Facebook aur Instagram icon abhi active nahi hai. To isliye main idhar screen mein nahi de raha hu, nahi to abhi screen mein share bhi kar leta guys. Kyunki usne abhi thoda dino ke liye deactivate kar diya ye dono सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो अभी कभी भी इन फ्यूचर आएगा वापस तो मैं इधर शेयर कर लूँगा उसका भी आईडी। सो चलिए अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं गाइस, थैंक यू। तो चलिए गाइस इस व्लॉग को भी एंड कर लेते गाइस, क्योंकि आई होप सो ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा। आई नो ये व्लॉग में ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ था नहीं फिर भी। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके इन बोध गया एरिया, जैसे कि मैंने बोला